एलविश यादव के क्यू एन ए के बाद एलविश के सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्त कटारिया ने खोली एलविश की पोल। एलविश यादव और मनीषा रानी के रिश्तों पर दिया ऐसा बयान। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। एलविश यादव के क्यू एन ए सेक्शन के बाद एलविशांस ट्रेंड हो रहे हैं ट्विटर पर, और ये बहुत लंबे समय के बाद देखा गया है कि एलविशा फैंडम में एक खुशी की लहर है। एलविशा वालों को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है एलविश ने, एक नहीं कई सारे सरप्राइज हैं, एक के बाद एक सरप्राइज, और कुछ लोगों की तो जल गई है। जो लोग एलविश से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, एलविश ने साफ इनकार कर दिया है कि वो पास्ट में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन इस पर अब कटारिया ने रिएक्ट किया है कि क्या वाकई कोई है पंजाब वाली या फिर एलविश फिर से कर रहे हैं कन्फ्यूज। इस पर बात करते हुए कटारिया ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, एलविश यादव जो है वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में एक बार फिर लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं, और एलविश ने ये अभी नहीं, एलविश बहुत पहले से ये बातें करते आ रहे हैं। एलविश की पंजाब वाली गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, मनीषा जी के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है। जुलाई में बहुत सारे लोग को एलविश मिला था, लेकिन एलविश आज भी मनीषा जी को नहीं भूल पाया है, और वो मनीषा जी की ही बातें कर रहा था इनडायरेक्टली। जो लोग भी मनीषा और एलविश के रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, उनको कटारिया ने कहा कि मुझे लगता है कि इन नेगेटिविटी से उनको दूर रहना चाहिए, इनका रिश्ता बहुत मजबूत है। एलविश और मनीषा को आप सोशल मीडिया पर बदनाम करके इनकी दोस्ती नहीं तुड़वा सकते हो। एलविश बहुत मैच्योर है, वो समझता है मनीषा को, इवन मनीषा जी भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। कटारिया ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ये बंद होना चाहिए, चाहे वो एलविश के खिलाफ हो या फिर मनीषा जी के खिलाफ। एलविश यादव ने एक बार फिर अपने फैंस को सरप्राइज देने के साथ साथ कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दिया है। पंजाब वाली की बात जब भी एलविश करते हैं तो मनीषा जी की ही बात होती है। कटारिया ने ये बात कहा कि वो इनडायरेक्टली मनीषा जी का ही नाम लेते हैं। एलविश फिलहाल के लिए इस नेगेटिविटी कॉन्ट्रोवर्सी में मनीषा का नाम नहीं लाना चाहते हैं, जिसके चलते वो हमेशा से ही हिंट तो मनीषा की देते हैं लेकिन बात जो है वो किसी और की कर जाते हैं। तो यही कन्फ्यूज़न होता है एलविश के फैंस में, और एलविश आर्मी हो, एलविशा फैंस हो, मनीषा फैंस हो, सभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और एलविश मौज काटते हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी सहमत हैं कटारिया की इस बातों से? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।